वैसे देखा जाए तो हर कहानी के दो पहलू होते हैं, वैसे ही मेरी कहानी के भी दो पहलू हैं। पहला वो जिसमें वो हर बार मेरी थी, और दूसरा वो जिसमें हर बार चाह कर भी चाहत अधूरी रही। हर बात, हर ख्वाब, हर ख्याल मैं तेरा जिक्र करूँ, मैं हर बार की तरह इस बार भी टूट कर तुझसे प्यार करूँ, टूट कर तुझसे प्यार करूँ। कहानी की शुरुआत उनसे करूँगा जिसका जिक्र इस कहानी में हर बार करूँगा। कहानी की शुरुआत उनसे करूँगा जिसका जिक्र इस कहानी में हर बार करूँगा। ढलती हुई शाम की आखिरी किरण है तू, बीती हुई रात की आखिरी ख्वाहिश है तू, कैसे कहूँ तेरे बारे में कुछ भी, बहते हुए उसको की आखिरी वजह है तू। वैसे दोस्तों मेरा जो इश्क है वो कामिल तो है, फिर भी क्यों लोगों की नज़रों में एक तरफा है। मुझे हर बार एक तरफा आशिक का ही नाम दिया जाता है। मेरे इश्क में शिद्दत है पर नुमाइश नहीं है, मेरे इश्क में पागलपन है पर बेवफाई नहीं है। किसी ने सच ही कहा है कि एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है। इस प्यार में ना ही जिस्म की भूख रहती है और ना ही उसको खोने का डर रहता है। ये प्यार तो उस प्यार की तरह है जिसमें पाकर भी खोने की चाह रहती है। दोस्तों ये एक तरफा प्यार ही तो है जिसमें एक जिस्म दो जान रहती है। लेकिन शिद्दत चाहिए ऐसे प्यार को मुकम्मल करने के लिए। ये कोई आरज़ू नहीं है जो दुआ में कबूल हो जाएगी, शिद्दत चाहिए दोस्तों। और इस प्यार में तो जख्म भी दर्द पाने पे मुस्कुरा लेता है, ये वो प्यार है दोस्तों। ये जो एक तरफा वाला प्यार है ना, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग और इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इस प्यार में ना ही चैटिंग होती है और ना ही डेटिंग होती है और ना ही मुलाकातें होती है। और इस एक तरफा वाले प्यार का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि इस प्यार में बेवफाई जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। और दोस्तों जो एक तरफा प्यार है इसमें बिना इजहार के उसको चाह सकते हो, बिना बरसात के उसको भिगा सकते हो, बिना जगे बिना सोए उसको जगा सकते हो, और छुए बिना ही उसको जला सकते हो। यह है एक तरफा प्यार, यह है एक तरफा प्यार, और यह है एक तरफा प्यार की ताकत। लेकिन ये जो वन साइडेड लव है ना, ये आसान नहीं है करना, आसान नहीं है करना, क्योंकि जब रात के आगोश में उनकी याद आती है तब कोई नहीं होता जो तुम्हें ये कह सके कि मैं हूँ तेरे साथ। जब दर्द के मारे आँखों से आंसू और जिस्म से लहू निकलता है तब कोई नहीं होता जो कह सके कि मैं हूँ तेरे साथ। जब बाइक के पिछली वाली सीट पे उनके ना होने का एहसास होता है तब कोई नहीं होता जो कह सके कि मैं हूँ तेरे साथ। और जब उन्हें किसी और के साथ देखते हैं तब इस नादान सा दिल उछल कूद करने लगता है, तब इस नादान से दिल को संभालने के लिए कोई नहीं होता जो कह सके कि मैं हूँ तेरे साथ। और दोस्तों लेकिन किसे पता है क्या है अंदर, लेकिन किसे पता है क्या है अंदर, सब किसे पता है क्या है अंदर। कोई कहे आशिक हूँ, कोई कहे आवारा हूँ, कोई कहे आशिक हूँ, कोई कहे आवारा हूँ, कोई कहे पागल हूँ, कोई कहे मस्ताना हूँ, पर किसे नहीं पता कि मैं क्या हूँ। लेकिन दिल की बातें दिल ही जाने, दिल की बातें दिल ही जाने कि मैं कौन हूँ। और आखिर में बस इतना ही कि आप सब कहानी सुनने आए थे ना मेरी, सुन ली क्या और सुनाऊँ क्या दोस्तों। कह भी देते आज ये कहानी सबके सामने, अगर ये सिर्फ एक तरफा मोहब्बत ना होती तो। थैंक यू।